यूक्रेन के खिलाफ जंग को धार्मिक रंग अब रूस दे रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का बड़ा दावा है, ईसाई और मुस्लिम लड़ाकों का हौसला बढ़ाने की कोशिश है। धर्म के नाम पर युद्ध में इन लड़ाकों को आक्रामक बनाने का इरादा है। तो देखिए, अब धर्म का एंगल भी दिख रहा है, नजर आ रहा है जंग के मैदान में, और ये दावा इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का है। ईसाई और मुस्लिम लड़ाकों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। धर्म के नाम पर युद्ध में इन लड़ाकों को और ज्यादा अग्रेसिव बनाने का इरादा है रूस का। तो यूक्रेन रूस युद्ध का धर्म वाला एंगल क्या है, ये अब आपको हम बताते हैं इंफॉर्मेशन वॉल पर, जिसमें ISW का ये दावा है। यूक्रेन युद्ध में धार्मिक आदर्शों को ढाल बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देशभक्ति का जज्बा अगर धर्म के नाम से ही आता है तो वो भी रणनीति अपनाई जानी चाहिए। मुस्लिम ईसाई लड़ाकों को धर्म के नाम पर बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लड़ने की अपील की गई है रूस की ओर से। सिर्फ इतना ही नहीं, कादिरोव ने यूक्रेन युद्ध को पश्चिम के खिलाफ जिहाद तक कह दिया है। रमजान कादिरोव, जो कि चेचन फाइटर्स के कमांडर है, वो ये कह रहे हैं अल्पसंख्यकों को युद्ध में शामिल होने की वजह दी जा रही है। लगातार जो है जोश भरा जा रहा है धर्म के नाम पर ही सही। तो ये अब एक नई स्ट्रेटेजी है व्लादिमीर पुतिन की और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने में। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन, दुनिया में फैली दहशत के पीछे यही चेहरा है, लेकिन असल में खौफ का पर्याय ये फेस नहीं, इस फेस की भाव भंगिमाएं तय करने वाला दिमाग। न्यूक्लियर अटैक से परहेज ना होने का स्टेटमेंट, तबाही वाली मिसाइल से यूक्रेन को दहलाने की कोशिश, नॉन न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल का विकल्प हो, या फिर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स से पश्चिम समेत पूरी दुनिया में खलबली मचाने वाली रणनीति। सब इसी दिमाग की उपज है और अब इसी दिमाग ने यूक्रेन को नए अंदाज में दहलाकर यूरोप समेत अमेरिका के आसमान पर खौफ के बादल गहरा दिए हैं। यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल बारूदी ऑपरेशन शुरू हुए 8 महीने बीत चुके हैं। इस अवधि में सबसे ज्यादा खौफ ठीक 7 महीने पहले यानी 24 मार्च को महसूस हुआ। उस समय जिस बम के इस्तेमाल होने का दावा किया जा रहा है वो यही रूस का फॉस्फोरस बम। हालांकि ये बम न्यूक्लियर बम जैसा हाहाकार नहीं मचाता, ना ही इसकी गिनती केमिकल वेपन में होती है, लेकिन इस हथियार से होने वाला मास डिस्ट्रक्शन उतना ही विभत्स होता है जितना दूसरे केमिकल या बायो वेपन से। तो क्या रूस की तैयारी केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल की? क्या पुतिन अब बायो वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? और क्या रूस न्यूक्लियर वेपन्स के पहले ही तबाही शुरू करेगा? आशंका की जमीन इतनी स्याह है कि रूस को लेकर जताई जा रही शंकाओं का जवाब अब ना में मिलना मुश्किल है। और रही सही कसर जंगी हालातों में बदलाव के जरिए पूरी हो रही है, क्योंकि रूस जो कल कर सकता है या कर चुका है वो जवाबी कार्रवाई के रूप में भी महसूस कर रहा है। जिसका लेटेस्ट प्रमाण है रशियन आर्म्ड फोर्सेस के जनरल स्टाफ के प्रमुख का वो बयान, जो चेतावनी के रूप में यूके के रक्षा स्टाफ प्रमुख से बातचीत के दौरान जारी हुआ है। रशियन जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव के मुताबिक यूक्रेन अपने ही क्षेत्र में डर्टी बम विस्फोट करने की तैयारी कर रहा है ताकि रूस पर जंग को और ज्यादा भड़काने का झूठा आरोप लगाया जा सके। यानी रूस ने यूके के रक्षा स्टाफ प्रमुख टोनी राडाकिन को फोन पर चेताते हुए बताने की कोशिश की कि रूस डर्टी बम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है।
लेकिन यूक्रेन हालात को और ज्यादा पेचीदा बनाने के लिए खुद पर इस तरह के बम का इस्तेमाल कर सकता है, और ऐसा हुआ तो फिर रूस भी उसी अंदाज में जवाब देगा। यही वजह है कि रूस ने डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल की आशंका के मद्देनजर तैयारी भी शुरू कर दी है। संभावित खतरे को महसूस करते हुए मॉस्को से सेना को अलर्ट रहने का फरमान जारी हो गया है। रूस के रक्षा विभाग ने काउंटर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फोर्स को भी सक्रिय कर दिया है। लेकिन अब आपको जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि रूस की तरफ से शुरू हुई इस तैयारी का कारण सिर्फ डर्टी बॉम्ब नहीं है बल्कि जवाबी कार्रवाई है। वो कार्रवाई जिसमें सिर्फ न्यूक्लियर हथियार नहीं बल्कि मास डिस्ट्रक्शन के हर उन हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है जो यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। ये हथियार है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स। ये दोनों हथियार कितने भयावह हैं, इसे भी समझिए। केमिकल हथियार वो हथियार होते हैं जिनमें टॉक्सिक केमिकल और जहर का इस्तेमाल होता है। वहीं बायो वेपन्स वो हथियार होते हैं जिसके हमले के बाद रासायनिक क्रिया से जीवों की मौत हो सकती है या फिर उन्हें स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। इनमें वायरस या बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। वहीं केमिकल वेपन्स के असर की बात करें तो इससे जहर हवा के जरिए एक निर्धारित दूरी तक फैलता है। ठीक ऐसे ही बायो वेपन्स से हवा, पानी और खाने की चीजों के जरिए मास डिस्ट्रक्शन किया जाता है। यानी दोनों ही हथियारों का इस्तेमाल एक निर्धारित क्षेत्र के जीवों को मारने के मकसद से किया जाता है और इसका असर कई कई पीढ़ियों तक देखा जा सकता है। यानी न सिर्फ हमले के बाद तुरंत बेतहाशा मौत होगी बल्कि जो बचेंगे उसके डीएनए में भी बदलाव हो सकता है जिसका नुकसान उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी उठाना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि रूस के पास क्या ऐसे हथियार हैं और कितने हैं? 1949 से पहले ताकतवर देशों ने केमिकल और बायो वेपन्स को धड़ल्ले से इस्तेमाल किया था, लेकिन 1949 में हुए जिनेवा प्रोटोकॉल पर दस्तखत के बाद बायो वेपन्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन की स्थापना भी की गई। 26 मार्च 1975 को बायो वेपन कन्वेंशन पर 22 देशों ने दस्तखत किए और इस वक्त 183 देश इस बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के सदस्य हैं। इसीलिए किसी भी देश के पास बायो वेपन्स होने या उनकी संख्या को लेकर दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन दावा किया जाता है कि आज भी कई देशों के पास न सिर्फ केमिकल वेपन्स हैं बल्कि बायो वेपन्स का भी उन्होंने निर्माण किया है जिसमें रूस का नाम शामिल है। वहीं यूक्रेन को भी इस तरह के हथियार यूरोपियन देशों से मिलने का अनुमान है, और अगर वाकई इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो जंग के नतीजे बहुत भयानक होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।